नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विशाल झा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक अमरेन में। मेरा आज की वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव ये है कि मैं आपको यूट्यूब पर किस तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं उसके कुछ टिप्स लेके आया हूं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जो भी बिगनर्स हैं उनको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना जरूरी है, ताकि वो भी अगर यूट्यूब पर आना चाहते हैं और यूट्यूब पर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल ही मस्ट वॉच है। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये 100% ओरिजिनल कंटेंट है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो हो सकता है कि इस वीडियो के कुछ पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको आज यूट्यूब पर आने के बाद हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं उसके कुछ टिप्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन टिप्स हमारा है क्रिएट एन एंगेजिंग यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आपको क्या करना है कि आपको अपना जो जब आप यूट्यूब चैनल बनाओगे तो उसमें आपको खास तौर पर अपने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप ज्यादा कस्टमर की ओर इंगेज कर पाओ। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर जाके बताता हूँ कि अगर हम अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को वेल प्रिपेयर्ड तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैसे हम ज्यादा इंगेज कर सकते हैं अपने कस्टमर से, राइट? तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यह हमारा डैशबोर्ड दिख रहा होगा आपको, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई एक्स वाई जेड वीडियो अपलोड करके बताता हूँ। मैं सिलेक्ट फाइल पे गया और मैंने यहाँ से ये वाली वीडियो को अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, कि बिगनर्स के लिए तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो हमारा टाइटल होना चाहिए किसी भी वीडियो को जब आप अपलोड करते हो, तो जो आपका टाइटल होना चाहिए वो 100 वर्ड्स के अंडर होना चाहिए, राइट? तो इसमें आपको ये चीज समझनी है कि आपको किस तरह का टाइटल रखना चाहिए, उसका वर्ड्स लिमिट जैसे कि मैंने बताया 100 होगा। इससे आपका जो आप जो भी टाइटल यूज करोगे वो आपकी वीडियो को रैंक करे। इस वजह से आप उस तरह का अगर टाइटल यूज करते हो तो आपको उसका बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा। अगला है हमारा डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स लिमिट होती है वो देखिए यहाँ पे 5000 के करीब होती है। 5000 के करीब यहाँ पे वर्ड्स लिमिट होती है। आप जो भी इसमें मेंशन करना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसमें ये सारी चीजें मेंशन किया, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको इसमें मेंशन करना। मेरा नंबर सेकंड टिप्स ये है फिल आउट योर चैनल कीवर्ड्स। आपको अपने जो चैनल के कीवर्ड्स को अच्छे से फिल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको करके बताता हूँ, आप जो भी कीवर्ड्स अपने लगाओगे वो आप यहाँ पे टैग्स के रूप में लगा सकते हो। तो वर्ड लिमिट होगा वो 500 के अंडर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स डालने होंगे जिससे कि मेरा वीडियो रैंक करे। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि आपको किस तरह के कीवर्ड्स का यूज करना है। तो और जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो आपको ये चेक करना है कि क्या वो जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर वीडियो के अकॉर्डिंगली है या नहीं है।
अगर वो नहीं है तो फिर वो आपके वीडियो को रैंक नहीं करेगा, क्योंकि तो आपको जो कीवर्ड्स यूज करने हैं वो आपके जो ऑडियंस जो भी कीवर्ड्स यूट्यूब पर सर्च करती है उसके अकॉर्डिंगली उसको ध्यान में रखकर आपको उन कीवर्ड्स को अपने टैग्स में यूज करना है। एम्बेड योर वेबसाइट विद योर यूट्यूब चैनल। आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल को आपको अपनी वेबसाइट के साथ एक तरह से एम्बेड करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वेबसाइट पर जाकर बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो सर्च किया digitalamrin.com और मैं अपने यहाँ ब्लॉग पे गया, फिर मैंने जिसे ये आपको मैं दिखाता हूँ रिव्यू ऑफ डिजिटल अमरीन बाय विशाल झा, तो ये मेरा एक तरह से रिव्यू है। तो इस तरह से भी आप, जैसे मैंने बताया कि आपको अपने YouTube चैनल को अपनी वेबसाइट से एम्बेड करना है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पर भी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को रीच कर सको, ताकि आप अपनी वेबसाइट साइट पर भी तो लोगों को बता सकते हो कि हाँ मेरा ये चैनल है, आप इस चैनल को देखिए। तो इस तरह से अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला है ऑप्टिमाइज योर यूट्यूब बैनर आर्ट फॉर ऑल डिवाइसेस। आपको अपने जो यूट्यूब बैनर आर्ट होता है आपका, उसको हर एक डिवाइसेस के लिए, फोन यूजर, लैपटॉप यूजर, टैबलेट यूजर, उनके अकॉर्डिंगली अपने जो चैनल के बैनर को, जिसे चैनल आर्ट भी कहते हैं, उसको उस तरह से क्रिएट करना है कि वो हर एक यूजर्स के लिए, जो टैबलेट यूजर है, मोबाइल यूजर है और लैपटॉप यूजर है, उनके लिए कंफर्टेबल हो। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं अपने चैनल पे गया, देन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, इसको हम चैनल बैनर आर्ट कहते हैं, हमारे जो चैनल का ये बैनर होता है। तो जो यहां से लेकर इतना तक ये हमारा फोन जो यूजर होते हैं ये उनके लिए विजिबल होता है, और फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा इतना तक ये टैबलेट यूजर्स के में दिखता है, और फिर ये जितना ये पूरा है ये लैपटॉप यूजर्स के लिए विजिबल होता है। तो आपको जो बैनर बनाना है वो आपको उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है, जिससे कि आपका जो चैनल का बैनर है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली कि हर एक चीज अपने सही जगह पर है, तो आपको भी इस तरह से अपने चैनल का जो बैनर बनाना है वो एक अच्छे साइज में होना चाहिए। क्रिएट अ ट्रेलर फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो ये एक तरह से सवाल होगा कि यार मैं कैसे ट्रेलर क्रिएट कर सकता हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना जो ट्रेलर देख सकते हो। आप सबसे पहले अपने YouTube स्टूडियो में जाओगे, उसके बाद कस्टमाइजेशन में जाना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो तरह के ट्रेलर होते हैं। एक ट्रेलर ये होता है कि जिसमें वो पीपल को आप अपना ट्रेलर दिखाते हो जिन लोगों ने आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसमें आप ये वीडियो अपना डालोगे। और एक दूसरा ट्रेलर ये होता है जिसमें आप वो वीडियो डालते हो जो आपके ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, उनको रिटर्न, मतलब उनको दोबारा दिखाने की। तो आई थिंक ये ट्रेलर का कंसेप्ट यही है कि सिंपली ये दो तरह का होता है। एक वो होता है जो ये मैंने बताया कि जिन भी लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, नंबर टू ये होता है जो आपके ऑलरेडी सब्सक्राइबर होते हैं उनको दोबारा दिखाने के लिए। मेरा जो अगला टिप्स ये है कि क्रिएट प्लेलिस्ट। आपको अपनी वीडियो को सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए आपको प्लेलिस्ट तैयार करनी होगी, जिससे कि क्या होगा, जो भी आपकी ऑडियंस है वो जब भी आपकी वीडियो देखेगी, अगर आपने अपनी वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा होगा, तो अगर उस ऑडियंस को आपकी उस वीडियो में कुछ
कुछ भी चीज ऐसी लगती है जो उसे पसंद आ जाती है, तो वो क्या करेगा, उस हर एक वीडियो को देखेगी, जिससे आपका जो वॉच टाइम है वो और ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि वो हम कैसे कर सकते हैं। योर चैनल पर गया हूँ, मैनेज वीडियोस, यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। मान लो मैंने सोशल मीडिया का प्लेलिस्ट बना लिया, अब मैं उस पे क्लिक करूंगा उसके पेंसिल पे, और यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं इसके, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये 5,000 का वर्ड लिमिट होना चाहिए, ये 150 तक का होना चाहिए, तो इसमें आप अपनी कोई भी वीडियो, मतलब जो सोशल मीडिया, जैसे मैंने तो सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया, आपका जो भी वीडियो है उससे रिलेटेड आप एक प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हो, जिससे कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और वो इजिली हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में देख सके। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उससे हम कैसे ज्यादा ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ उसको आप जब देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो पहले दिखाई देता हूँ, जैसे कि कोई भी यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट ना हो। मैं अपने चैनल पे गया, वहां पे जाने के बाद मैं अपने कंटेंट में गया। कंटेंट पे जाने के बाद आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी वीडियो का, हाउ टू गेट ड्रीम जॉब। जिसे आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियोस पर किस तरह से 2.5K व्यूज आए हैं, और इसका जो वॉच टाइम भी देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि अगर मान लो, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो का एग्जाम्पल दिया कि इस वीडियोस पर आप देख सकते हो कितने बढ़िया व्यूज है और इस वीडियो ने कितना वॉच टाइम गेन किया है, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको भी कुछ ऐसा कंटेंट अपनी ऑडियंस को देना होगा जिससे कि आपकी ऑडियंस उस कंटेंट को पसंद करे। अगर वो पसंद करती है तो आप भी इतने अच्छे व्यूज को गेन कर सकते हो, और आपका भी जो उस तरह की, अगर आप वीडियोस को बनाते हो जो आपकी ऑडियंस पसंद कर रही है, तो डेफिनेटली आपका चैनल बहुत जल्दी बूस्ट कर जाएगा और आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो कीप एन आई ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, आपको हमेशा ये समझना होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से क्या क्या नई नई चीजें ला रहे हैं, और आप भी किस तरह से, अगर उनके पास ज्यादा ऑडियंस की रीच है, वो क्या वजह ऐसी हो सकती है कि उनके पास ज्यादा ऑडियंस बेस है, वो ज्यादा है आपसे, तो आपको उन चीजों पर भी थोड़ा ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप भी नया करो जिससे आपकी भी जो ऑडियंस बने वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो, तो आपको भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कह सकते हैं या यूनिक करना है तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाता है, और जिससे कि आप भी बहुत जल्दी अपने आप को यहाँ पे यूट्यूब पर मार्केट कर सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं, रिड्यूस योर वीडियो। जैसे कि आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिलता होगा कि हम हमेशा अपनी वीडियोस को प्रीमियर करते हैं, आप भी किस तरह से अपने वीडियोस को शेड्यूल कर सकते हो, आइए मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो में मैं गया, फिर मैंने कोई भी XYZ वीडियो को लिया और मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको अपना कोई भी वीडियो से रिलेटेड टाइटल डालना होगा, ये मैंने टाइटल डाल दिया। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आप जो भी आप डालते हो वो आपको डालना है यहाँ पे, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दिया है। मैं तो इस तरह से
मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसको डालना है, फिर आपको अपना जो भी थंबनेल लगाना है, ठीक है। सिंपली मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये थंबनेल लगा दिया, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर जैसे आपको टैग्स लगाने हैं। बिगनर्स को समझाने के लिए मैं आप बहुत डीपली जा रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीजें करने के बाद आपको अपने टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब लगाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको अपना जो एंड स्क्रीन जो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एंड स्क्रीन में ये लगा दिया, मैंने कोई भी वीडियो पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक वीडियो मैंने सिलेक्ट की और अपना मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया। अब मैंने यहाँ पे अपना प्लेलिस्ट लगा दिया, तो इससे क्या होता है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, फिर एक और बार नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पब्लिश का, तो अगर आप इस वीडियो को पब्लिश कर देते हो तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो अभी तुरंत पब्लिश हो जाएगी। पर इसकी जगह अगर आप शेड्यूल करते हो वीडियो को, तो क्या होगा, आपकी जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में, जिस भी टाइम में आप उसको शेड्यूल करते हो, उस टाइम में वो जो वीडियो होगी वो प्रीमियर हो जाएगी। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में वो जो वीडियो होगी वो एक तरह से लाइव चलेगी, जिससे कि एक आपका जो कमेंट बॉक्स होता है वो खुल जाता है। तो वो एक बहुत बढ़िया वे होता है कि आप अपनी ऑडियंस से लाइव कमेंट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो, और वो एक बेहतर तरीका होता है जिससे कि आपके व्यूज ज्यादा आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है, जिसे आज, और फिर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, और जिस भी टाइम में आप इसको प्रीमियर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को 2 बजे करनी है, और फिर क्या करूंगा मैं इस पे सेट एज प्रीमियर कर दूंगा। और फिर जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल का, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको शेड्यूल कर देना है, जिससे कि आपकी जो वीडियो हो जाएगी वो शेड्यूल हो जाएगी, राइट। और ये देखो इतने टाइम में ये प्रीमियर हो जाएगी। तो हम अपना अगला देखते हैं, गिव क्वालिटी टू योर ऑडियंस। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा क्वालिटी पर ज्यादा फोकस रखिए रेदर देन क्वांटिटी। मतलब हमेशा अपनी ऑडियंस को क्वालिटी देने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वालिटी देते हो ना, तो आपकी जो ऑडियंस, जो आपका ऑडियंस रीच होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी देने से ही, मान लो आप डेली एक एक वीडियो डाल रहे हो, डेली बस आप अपने चैनल को वीडियो से ही भर रहे हो, ठीक है, और उस वीडियो में, किसी भी वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं दिख रही है, हमेशा बस, मतलब मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप हमेशा डेली एक एक वीडियो बनाओगे डेली, हाँ अगर आप उसमें क्वालिटी दे रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप बनाओ, कोई दिक्कत। बट अगर आप डेली का वीडियो बना रहे हो और आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर एक बन रहा है कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा, या फिर ऐसा कुछ, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा गैप दे सकते हो। आप 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते का भी गैप रखो कि मुझे हर एक हफ्ते एक वीडियो तो डालनी है, बट उस वीडियो में मैं इस तरह की क्वालिटी दूंगा कि जैसे मैं हर एक दिन वीडियो डालता था तो उसमें मेरे को उतनी क्वालिटी, मुझे नहीं लगता था कि मैं क्वालिटी दे पाता हूँ। बट अगर मैं थोड़ा गैप लेके फिर मैं, जैसे मैंने बताया 1 हफ्ते का मैंने गैप लिया और फिर मैंने वीडियो बनाया, तो उससे क्या होगा, उससे मैं ज्यादा अच्छी क्वालिटी कहीं ना कहीं दे पाऊंगा। तो आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस,
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।